असलकम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे तो चलिए आज की हम अपनी चिकन स्पैगटिस की रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैन में मैंने वन फो कप ऑयल ले लिया है जिसमें मैंने वन एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसको हल्के से सोते करना है अच्छा यहाँ मेरा ये थोड़ा इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया है लेकिन इससे फ्लेवर पे कोई असर नहीं पड़ेगा आप थोड़ा इससे कम ही रखिएगा ठीक है ना अब मैंने वन कप बॉयल्ड चिकन इसमें ऐड कर दिया है और इसको एक से दो मिनट इसके साथ इसके भुनाई करनी है ताकि लहसुन का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए इसके बाद मैंने वन कप कटी हुई गाजर इसमें डालनी है और इसको भी तकरीबन एक मिनट मैंने इसके साथ इसको भून लेना है ठीक है ना इसको इसके बाद मैंने हाफ़ कप कटी हुई शिमला मिर्च इसमें डा डालनी है और ये ज़्यादा इनके भुनाई नहीं करनी है ताकि इनका कलर चेंज नहीं करना है एक मिनट के लिए इनको बस हमने इसके साथ भून लिया उसके बाद मैंने इसमें वन एंड हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है वन टेबल स्पून सिरका ऐड किया है वन टी नमक वन टी स्पू हुई लाल मिर्च वन टी स्पून काली मिर्च का इसमें मैंने ऐड किया है और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स करके ये स्पैक जो मैंने पहले से बॉयल करके रखी हुई थी तकरीबन डेढ़ लीटर पानी में मैंने हा वन फोर्थ कप आयल डालकर वन टेबल स्पून नमक डालकर इसको मैंने आठ मिनट के लिए बॉयल कर लिया था तो ये देखिए कितनी ये निखरी निखरी सी बनी है इसको मैंने बाद में ठंडे पानी से मैंने इसको गुजार लिया था तो आप ये देखें कि इनको मिक्स करने के बाद मैंने इस रेसिपी को अपनी डिश को टिश आउट कर दिया है और बहुत ही शानदार चिकन इस्पैकेट तैयार हुई हैं